वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं हम आपके पास। तो आए मज़ीद लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सदफ। आपका नाम? फहीम खान। अरहम। मुगीस। इब्राहिम। इमरान। अहमद। वेरी नाइस। अच्छा, ये सारे कजन हैं या भाई हैं? सारे भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे भाई हैं। अल्लाह नजर बस से बचाए। कौन आपस में किसकी बनती है और कौन लड़ता है? बनती भी है और लड़ते भी हैं। बताओ किसके साथ सबसे ज्यादा दोस्ती है की? और आपकी? मेरी। के साथ? आपकी? सबकी। इन्हीं के साथ? और आपकी? वेरी नाइस। और आपकी? माशाल्लाह, आप बड़े हैं सबसे। कैसा लगता है? माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे भाई हैं, दोस्त बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। जी। मजा आता है घर में? जी। क्या गेम खेलते हो? बैट बॉल ज्यादा खेलते हैं। बैट बॉल खेलते। अच्छा, सब ज़रा शरारती भाई कौन सा? सबसे ज्यादा अरुण। ये मुझे लग रहा है जैसे हंस रहा है। क्या शरारत करता है ये? ये चीज़ों से पंगे लेता रहता है। ये कभी किसी की चीज़ उठा लेते, कभी किसी की चीज़। अच्छा, कभी मारा है किसी भाई को? नहीं। ये आप लोग आपस में लड़ते हो? ओए, आप बताओ कैसे लड़ते हो? मारते हो? पापा से डांट पड़ती होगी? जी जी। चले जी, ओके। पर माशाल्लाह बड़ा वाला काफी अकलमंद लग रहा है। पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई में ठीक है। सबसे ज्यादा लाइक कौन? सबसे ज्यादा लाइक ये शरारती वाला। फिर ठीक है, फिर शरारत करो। चले जी, मुझे बताएं, गौर से सुनिएगा सवाल। डॉक्टर ने मरीज को 3 मेडिसन दी हैं, यानी कि 3 गोलियां दी हैं। हर एक गोली उसने हर आधे घंटे बाद खानी है, तो 3 गोलियां वो कितनी देर में खाएगा? 1.5 घंटे में। अच्छा, आप लोगों के अलावा कोई जवाब नहीं देगा, आपकी फैमिली बस दे सकती है जवाब। 1.5 घंटे में नहीं खाएगा। अब गौर करें कितनी देर में खाएगा? 1 घंटे में नहीं, 1 घूंट पानी के साथ ही खाएगा। टाइम? 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि आधी आधी खाएगा ना। तीन गोलियां। चलो दोबारा सुने। डॉक्टर ने मरीज को 3 गोलियां दी हैं, हर एक गोली उसने आधे घंटे बाद खानी है, तो उन 3 गोलियों को खाने में कितना वक्त लगेगा? आधा घंटा। 1 घंटा। अच्छा, जो आप जवाब दे रहे हैं वो आपने जस्टिफाई भी करना है क्यों? नहीं, सॉरी, नहीं पता। आप कोई और जवाब नहीं देगा? एक मिनट बेटा, प्लीज आप लोग जवाब ना दे, आप लोग अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। चले जी। हाँ जी, सॉरी जी। चले जी, कोई बात नहीं। क्या सुनाना है आपने? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله جزاك الله رب ما بوين Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, like a diamond in the sky. आधी खा गए हो? और आप? Point. Baba, baba, bless you. Have any food? Yes, sir, yes, sir. 3 bag full. 1 for the master, 1 for the dam. And for the little boy who lived down the dam. शाबाश। आपको भी? जो 3 बेवकूफ कटे बैठे होते हैं, एक कहता है मैं इतनी गर्म चाय पीता हूँ कि कप में डालते साथ ही पी लेता हूँ। दूसरा कहता है मैं इतनी गर्म चाय पीता हूँ जिस बर्तन में बनाता हूँ वो उसी को मुंह लगा के पी लेता हूँ। तीसरा कहता है तुम दोनों इतनी ठंडी चाय पीते हो, मैं तो खुद दूध पत्ती और चीनी मुँह में डाल के चूल्हे पे बैठ जाता हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, सब ने जूते भी एक जैसे पहने हुए हैं ना? अच्छा, एक जैसे कपड़े मांगते हैं? सेम ही लेते हैं हम लोग, सेम ही परचेज करते हैं। ओके जी, आप क्या शेयर करेंगे? मैं रेसिपी, फिश रेसिपी।
सबसे पहले मछली को नमक लगा के रख दें और लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें लगाएं, नमक मिर्च और सूखा धनिया और हल्का सा लीमू का रस उसमें डाल के मछली को लगा के रख दें और फिर कुछ देर उसको मैरिनेट होने दें और फिर उसके बाद उसको फ्राई करें। वेरी वेरी नाइस, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट, थैंक यू। जी माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली थी, वो 8 भाई थे। बड़ा अच्छा लगा भाइयों को देख के, क्योंकि अब जाहिर बात है उनको फ्रेंड्स बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग आपस में ही जो है वो खूब खेलते होंगे। और बड़ी बात है कि इतने छोटे थे, जो बड़ा वाला था वो बहुत सीरियस था। अगर तो वो बड़ा वाला अपनी वजह से बाय नेचर सीरियस है फिर तो ये जस्टिफाइड है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो इसलिए सीरियस है कि पेरेंट्स ने उसको ये कह के बोला है तुम बड़े हो छोटे भाइयों का ख्याल रखो, सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो भी तो इटसेल्फ एक बच्चा है। अगर वो बड़ा है तो उसका बड़ा होना कोई फॉल्ट नहीं है, क्या आप उसको अभी से कहना शुरू कर दें कि वो बड़ा है? सो प्लीज़, बच्चे आप लोग पैदा तो कर लेते हैं लेकिन उनका ख्याल भी सही से रखें, अगर सही से नहीं रख सकते तो फिर अवॉइड करें, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मंजूर। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ते हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में पढ़ते हो। फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट इस टाइम तो आर्ट्स रखी है, वैसे मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छी लगती है। और कौन सा जहर लगता है? कौन सा जहर लगता है? जहर तो केमिस्ट्री लगता है। केमिस्ट्री, ओके ठीक हो गया। चलिए जी सवाल करें आपसे। करें, वैसे तो मैं सॉन्ग सुनाने आया हूँ। सवाल होगा जी पहले तो। चलें ठीक। मुझे बताएं दुनिया का सबसे बड़ा फूल किस मुल्क में है? सबसे बड़ा फूल किस मुल्क में है? आई थिंक स्टेडियम। नहीं। सबसे बड़ा स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल नहीं, फूल। फूल स्विमिंग पूल, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लावर। ओके। फूल पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नो। जनरल नॉलेज के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। चलो जी फिर किस बारे में पता? मैं आतिफ असलम का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं दिल दिया गन्ना सॉन्ग से। कितने बड़े फैन हो? बहुत बड़ा फैन। बहुत बड़े फैन जी। चलो जी आतिफ असलम के लिए मैसेज भी दो और सॉन्ग भी सुनाओ। असलम के लिए मैसेज तो यही है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहता हूँ, उनसे बहुत काफ़ी नज़दीक से बात करना चाहता हूँ। मैं आतिफ असलम से बहुत बड़ा फैन हूँ उससे, तो उसके बारे में सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। जी आतिफ आपने ज़रूर सुना होगा कि ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये बहुत नज़दीक से आपसे बात करना चाहते हैं, तो अगर आप ये देखें तो इनसे कांटेक्ट करें ताकि ये आपसे मिल सके। ये लें सुना दें। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांधने, पक्की यारियों 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 में ओ देना फासले, नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोने आ सुन ले मेरी, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सावले मैंने बस इतना ही। थैंक यू। वेरी नाइस जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। यू वेलकम। जी ये आतिफ असलम के बहुत बड़े फैन थे और इनको आतिफ असलम से जो है वो बड़ी मोहब्बत है और आतिफ से बहुत लोग प्यार करते हैं। उनका जो एक जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जीफुल, मतलब बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत अच्छी उनकी जो है वो रही है जर्नी। उनकी अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जो उनके ख़िलाफ़ गई हो। लोगों ने उनसे चाहे मुल्क से बाहर हों या पाकिस्तान में हों बहुत प्यार किया आतिफ से। वेल आतिफ पर्सनली भी इट्स जो है वो एक अच्छे इंसान हैं, जैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके जा रहे हैं। उनकी वाइफ भी जो हैं वो प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, तो वो भी बहुत नाइस हैं। तो अच्छा लगता है जब ऐसे लेजेंड्स जो मशहूर होते हैं लोग उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड पाया जाता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब कोई सेलिब्रिटी बन जाता है या जब कोई किसी मुकाम पे पहुँच जाता है, सीनियर हो जाता है, तो उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि उसको
اللہ کی مرضی کے بعد یہ انسان ہیں جو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں. تو جب ان میں ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے یا ایک کمپلیکس فیس پہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے وہ فیل کریں ہاں یہ وہ, تو وہ بہت نیگیٹو ہے. میرے پروگرام میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو سیلفی دوں, میں ان سے بات کروں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت اچھی پڑھائی, آلویز ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ان کو سیلفی بھی دوں, ان سے اچھے طریقے سے بات کروں, کیونکہ انہی کے پیار کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں. کسی اور سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ جنت. آپ کا نام؟ تحریم. عدیل مسعود. ٹھیک ہو گیا. آج مال میں کیسے آنا ہوا؟ بس وہ اچانک ذرا کام تھا, ادھر ہیپی اسٹار میں ذرا کام تھا, وہ کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی. اچانک میں دیکھا, میں کہا چلے ادھر سے بھی بچے کہہ رہے ہیں ہم نے اوپر پلے لینڈ جانا ہے. فرسٹ ٹائم آئے ہیں آپ؟ ہاں جی. ہاں نہیں, آگے بچوں کے ساتھ آتے رہتے ہیں, لیکن وہ بچے ضد کر رہے تھے ابھی موسم ٹھیک ہے ہمیں ذرا گھومنے لے کے چلے. میں کہا چلیں ساتھ شاپنگ کر لیں گے تو ساتھ بچوں کو ڈسائڈ کروا دیں گے. اوپر ابھی جانا تھا ہم نے, میں نیچے دیکھ کے میں کہا لگ رہا ہے وہ لاہور والا پروگرام ہے آپ کا پروگرام, بچے بہت شوق سے دیتے ہیں, انہوں نے وہ جھولے چھوڑ دیے ہیں اور سارے آپ کا پروگرام دیکھنے آ گئے ہیں. تھینک یو. لے کے جائیں. تھینک یو, تھینک یو سو مچ بیٹا, تھینک یو. چلے جی, مجھے بتا دیں, میرا آپ سے سوال ہے, دنیا کا کتنے فیصد پانی پینے کے قابل ہے؟ دنیا کا جس کو بغیر فلٹر بغیر کسی چیز کے پیا جا سکتا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 20%. نو, اس سے کم ہے. 10%. 15. 5. 5. نو, یہ تو بڑا اچھا ہے, کہاں سے لیے؟ پھول بھی لگے ہوئے ہیں. دادو لائی تھی. دادو لائی تھی. اچھا جی, کیا شیئر کرنا ہے؟ نعت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے آنے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. اور آپ؟ نعت. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے, فرشتو یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو فرشتو کے خادم تمہارا نصیب آ رہا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور آپ کیا شعر؟ میں ایک جوک سنا دوں. ہاں. ایک آرمی کا ریٹائر آفیسر ہوتا ہے, اس کے گھر نا ایک چور آ جاتا ہے, وہ چور اس کی دیوار پھلانگتا ہے, ایک نا اس کے گھر کی اینٹ گر جاتی ہے, وہ آفیسر اٹھ جاتا ہے, وہ پوچھتا کون ہے, وہ چور کرتا ہے میاؤ, وہ پھر سو جاتا ہے, وہ جب دوسرا چور آتا ہے نا دوبارہ جانے وقت پھلانگتا دیوار, پھر ایک اینٹ گرتی ہے تو وہ پھر اٹھ جاتا ہے, کون ہے, وہ کہتا ہے دوسری بلی. ویری نائس. کہاں پہ پڑھا تھا یہ؟ بس اخبار میں پڑھتے ہیں, اخبار میں آتے رہتے ہیں. ویری نائس. دونوں میں سے زیادہ شرارتی کون ہے؟ یہ میری بھتیجی ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ دونوں ہی ماشاء اللہ بہت شرارتی ہیں, کسی کا کہنا نہیں مانتے. ویری نائس, ماشاء اللہ جی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ, بہت شکریہ. بہت بہت پیاری فیملی تھی, اپنی بھتیجی اور بیٹی کو لے کر آئے تھے. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون بھتیجی ہے کون بیٹی ہے, کہ ان کا ایٹیٹیوڈ دونوں کے لیے اتنا پازیٹیو تھا, اتنا جو ہے وہ دونوں کے لیے ان کا ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں نا ایکول تھا, کہ ان میں کوئی ڈفرینس نہیں تھا. تو جب آپ کسی اپنے ریلیٹیو کے بچے کو ساتھ لے کر باہر آئیں یا آپ اس کو اپنے گھر لے کر جائیں تو اس کے ساتھ بھی ویسا بیہیو کریں, بلکہ میں کہوں گی اس سے زیادہ اچھا کریں جیسا اپنے بچے کے ساتھ کریں, تاکہ اس کو محسوس نہ ہو اس طرح وہ کہ انکل مجھے ساتھ تو لے آئے ہیں بھائی, پر اپنے بچے کو ہی جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہیں, اپنے بچے کو ہی شاپنگ کرا رہے ہیں, مجھے پوچھ نہیں رہے ہیں.
तो इस तरह इक्वालिटी किया करें। जी नाजरीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो ब्रेक पे जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। लेट्स हैव अ ब्रेक।